लेट हो गई है, अब हम चलते हैं आगे की ओर, मतलब उदयपुर की तरफ, और मिलते हैं उदयपुर में नए नज़ारे के साथ। आप देख रहे हैं नेचुरल वाटर, बिल्कुल क्लीन वाटर है ये, बहुत ही साफ पानी है ये, पूरा जंगल है भाई। यहाँ पे तेंदुआ मतलब लेपर्ड भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि पानी जंगल ये जहाँ पर रहेगा तो वहाँ एनिमल तो रहेंगे। ये देखो क्या मस्त, बहुत ही शानदार मछली। देखो आप कितनी सारी देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मछली है, बहुत ही ज़्यादा मछली है यहाँ। इंजॉय कर सकते हैं आके आप यहाँ पर, तो लोगों ने यहाँ के लोकल पीपल ने थोड़ा कचरा करके रखा है, अगर ये क्लीन करके रखे ना तो ये बहुत अच्छा प्लेस है पिकनिक पॉइंट के लिए, अल्टीमेट यार, दो बहुत ही अल्टीमेट। वो देखो आजा भाई। तो दोस्तों उदयपुर यहाँ से 90 किलोमीटर, वाओ भाई मेरे पीछे देखो, बहुत ही सुंदर, मतलब आप देख, बहुत ही सुंदर मतलब चिड़िया थी वो भाई। फॉरेस्ट है ये, जंगल है, जंगल मतलब बहुत ही अल्टीमेट। ये वो पक्षी है जो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर, ऐसे खुले में देखने के लिए मिल गए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी मधुमक्खी लगी हुई है उस पेड़ पर। फॉरेस्ट का नजारा देखने के लिए बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों। कोशिश करिए बाइक से इस टाइप के एरिए में आप राइट में ना निकलें, तो फिर गाड़ियों के पीछे निकलें, जो बस वगैरह रहती है या मारुति वगैरह रहती है, और उनके पीछे थोड़ा निकलने में ये रिस्क रहता है, वो फास्ट चलाते हैं और आप इस लोकेशन पे इतना फास्ट नहीं चला पाएंगे। तो राइट ही तो यही करिएगा कि मॉर्निंग में ही विजिट करें। आपको बोला है कि नाइट में इस रोड पर नाइट में विजिट निकले तो कार वगैरह रहे तो बेटर है, और कार में भी आप कोशिश ये करिएगा कि मतलब आगे पीछे एक दो कार के आगे पीछे चलिएगा, जंगल
कि आप देख रहे हैं कितने शानदार बंदर। काली मुखी बंदर शांत स्वभाव के होते हैं, जब तक आप उनको परेशान नहीं करेंगे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। सेम ऐसा ही रेड मुखी बंदर भी आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करते, बट अगर आपने जरा सी भी हरकत करी उनको परेशान करने की तो वो फिर आपको अच्छे से परेशान करते हैं। ये देखिए कितना क्लीन वाटर है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही क्लीन वाटर है। आप इसको मतलब ड्रिंक भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। चलिए शानदार व्यू को कैप्चर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर बारिश में आएंगे तो यहाँ पर आई थिंक वाटरफॉल भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा एक भाई की अभी सडनली मेरे वे जस्ट पे आगे ही जा रहा था, उसकी गाड़ी पंचर हो गई है। ये तीनों गाड़ी ऐसे क्यों रोक दी, मतलब अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए कितने शानदार, द हवेली रिजॉर्ट, द हॉल ही रिजॉर्ट, कितने शानदार रिजॉर्ट है। और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। और स्टार्ट हो गया आपका किले का फर्स्ट गेट। यहाँ पे जो वर्ड
हैं वो काफी अलग अलग टाइप के बर्ड हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही आपको बर्ड साउंड सुनाई दे रहा होगा आई थिंक। काफी वर्ड हैं, अलग अलग टाइप की वर्ड हैं यहाँ पर। जो एंट्री टिकट है वो 10 रुपये एंट्री टिकट लगा है, आगे चल के पार्किंग भी मिलेगी, पार्किंग भी है, आप पार्किंग में अपनी गाड़ी रख सकते हैं। और 10 रुपीज़ यहाँ का एंट्री टिकट है, फोर्ट देखने के लिए काफ़ी लो कॉस्ट है। ये देखिए वाओ, शानदार, सुपर अल्टीमेट, बहुत ही अल्टीमेट।